यहां पर नवीन जय हिंद का हर बार का ये एक ड्रामा रहता है, वो बकवास करता रहता है कि उन्होंने वो क्या कहता है कि सारे के सारे व्यक्ति अपना मुंडन करवा लो, गर्मी तुझे लग रही तू अपना मुंडन करवा, तेरे को कोई दिक्कत है तू अपना मुंडन करवा, वो कभी दूसरों को भी कहता है। अरे अंदर हर बार तेरे को ड्रामा करने का मिलता है, तू पढ़े तेरे पास कुछ भी नहीं है, जो तू भाषा का प्रयोग करता है तेरे एक एक शब्द एक एक। जी सर, जो आज आपने है जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो इस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है, एक दस को बताइए। विषय आप सभी मीडिया साथियों को मैं बता दूं कि पिछले दिनों रामचंद्र जांगड़ा भारतीय जनता पार्टी से जो राज्यसभा सांसद हैं, कबीर जयंती के उनके कार्यक्रम थे, तो दो कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। और उन्होंने क्या कहा वहां पर शिरकत करने के बाद, उनकी उम्र अभी है ना 75 वर्ष हो चुकी है, तो कोई भी परिवार का बड़ा व्यक्ति अपने बच्चों को समझाता है, तो उन्होंने समझाने के नाते से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जितना पैसा आप लोग वहां जाके इधर जाके उस कर रहे हैं, और एक पूंजीपति आदमी 50 रुपए में अपने बालों की कटिंग करवा लेता है, लेकिन वो गरीब आदमी 5000 रुपए में कहीं पाखंड में दस के वो कटिंग करवाता है, तो उनका उद्धार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अपने बच्चों को अच्छे आचरण में रखो, अच्छे उनको लोगों के साथ दिखाने का काम करता है, क्या वो भारतीय संविधान को नहीं मानता। और जो बात रामचंद्र जांगड़ा जी ने कही है वो परिवार के बच्चों को समझाने के लिए कही है कि भाई आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाए। अगर वो इस चीज का विरोध करना चाहता है तो रामचंद्र जांगड़ा जी जो स्टेटमेंट दी वो बिल्कुल सही दी है। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनमें सबसे पहला क्या है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भी नहीं मानूंगा, और मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता, ऐसी ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। उसमें अगर ऐसी बात है तो एक बार स्टेटमेंट वो उनके खिलाफ भी देके देखे, एक बार शिकायत दे उनके खिलाफ भी। कबीर जी ने भी वहां पर रामचंद्र जांगड़ा जी ने भी एक बात कही, जो कार्यक्रम था कि अगर कोई पत्थर पूजने से अगर मुझे कोई चीज मिले तो मैं पहाड़ को पूजूं, तो हमारे तो कबीर जी ने भी ये कही है, गुरु रविदास जी ने भी ये कही है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये बात कही है, तो उन्होंने गलत क्या किया है। लेकिन यहां पर नवीन जय हिंद का हर बार का ये एक ड्रामा रहता है, वो बकवास करता रहता है। मैं आपके मीडिया के चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो अपनी औकात में रहकर अपनी बात करना सीखे, उसको अपनी औकात पता होनी चाहिए। वो अभी पिछले दिनों की बात है कि उन्होंने वो क्या कहता है कि सारे के सारे व्यक्ति अपना मुंडन करवा लो, गर्मी तुझे लग रही तू अपना मुंडन करवा, तेरे को कोई दिक्कत है तू अपना मुंडन करवा, वो कभी दूसरों को भी कहता है। अरे अंदर हर बार तेरे को ड्रामा करने का मिलता है, तू पढ़ा लिखा कहता अपने आप को कि मैंने डिग्री वहां से ली, दिखड़ा यहां, तेरे पास कुछ भी नहीं है, जो तू भाषा का प्रयोग करता है तेरे एक एक शब्द अगर वो कोई बहन बेटी बैठी हो वो सुनने के लायक भी नहीं है जो तू बात रखता है। लेकिन जो नवीन जैन है जी, वो जो गरीब परिवार के लोग होते हैं या फिर बात की जाए कोई भी समस्या है भी, माना था कि वो लोगों की आवाज उठाते हैं नवीन जैन है। ऐसा है, वो जो आवाज उठाता है उस आवाज के अंदर उसके बाद वो लोग हैं कहां उसके साथ, मुझे ये बताओ कि वो लोग कहां पर हैं। गरीब लोगों की जो आवाज उठाने की बात करता है उनको बस में भर के वहां सीएम आवास पे ले गया, कहता है इनकी पेंशन का काम है। सीएम का काम पेंशन बनाना नहीं है, वो एक ड्रामा करता है। उसका काम है कि डीसी ऑफिस में जाए, उनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन का, आजकल तो ऑनलाइन का सारा जमाना है, ऑनलाइन सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा के उनका काम आसानी से करवा दे। वो ड्रामा क्यों करता है इस चीज के लिए? हर बार हम देखते हैं कि वो कहता है ये खट्टर ये मैं वही दिखाता है उनको, तो इससे क्या साबित करना चाहता है वो? तो उन्होंने रामचंद्र जांगड़ा को राक्षस भी कहा और उसके खिलाफ शिकायत भी दी है। ऐसा है, जो उन्होंने कहा रामचंद्र जांगड़ा जी के लिए बहुत दुखद शब्द है। उसने कम से कम वहां पे उम्र देखनी चाहिए थी कि उनकी उम्र क्या है, उनके पिता की उम्र से भी ज्यादा उनकी उम्र है, तो उसने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए। और अगर उसने भिड़ना ही है लड़ना ही है तो किसी ठीक ठाक आदमी से लड़के देखे, उसको पता लगे वो एक शरीफ इंसान जो इतने में बुजुर्ग है उससे वो लड़ने की बात करता है, तो उसको इस चीज को समझना चाहिए। उसका सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो हर कौम के अंदर गलत हैं। ऐसे ही उस कौम के अंदर मैं ये कहूंगा कि सारे अच्छे व्यक्ति हैं, वो शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाने का उसने काम करना चाहिए। वो क्राइम बढ़वाना चाहता है, जो भगवान परशुराम के हाथ के अंदर फरसा था वो न्याय का था, उस चीज के लिए वो बात नहीं करता। वो वहां पे युवाओं को गुमराह करने का काम करता है। आज ही हम यहाँ पे रोड पे अगर तीर तलवार लेके निकले, बंदूकें लेके निकले, तो क्या वो ठीक है?
कोई कार्यक्रम करता है वहां पे ये चीज करता है। अपनी लड़ाई लड़नी है तो संविधान के मार्फत से लड़े, कानून के मार्फत से लड़े। ये नहीं है कि वहां पे बच्चों को किसी को गुमराह करे, वो बकवास करे, कोई ऐसी बात करे, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो अपनी हैसियत में रहे और अपनी जुबान पर लगाम लगाए नवीन जय हिंद नाम का जो भी व्यक्ति है और उनके जो समर्थक है, मैं कहता हूं कि उसको शुद्ध बुद्धि दे। उसके जो फॉलोवर्स मैं देखा, मैंने उसके वो चल रहे हैं, तो वो भी उसको शुद्ध बुद्धि देने का काम करे। पिछले दिनों वहां पे एक रोहतक में वामन वेसराम जी आए थे, तो उन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर की बातों का अनुसरण किया। उसको भी कहता है कि मैं वहां घुसने नहीं दूंगा, यहां कहता है मैं ये नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं है भाई, यहां पे है ना समाज की बात करो, समाज को जोड़ने का काम करो। ये शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे जो और जो राजनीति के अंदर व्यक्ति है, उन्होंने जात पात धर्म को खत्म करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो खुद जो शादी की थी वो ब्राह्मण एक लड़की से की थी। आज की अगर मैं बात करूं, ताजा बात करूं, रामदास अठावले जी, उन्होंने शादी कहां कर रखी है सबको पता होना चाहिए। पासवान जी, उन्होंने कहां शादी कर रखी है। उदित राज जी, उन्होंने कहां शादी कर रखी है। तो यहां इनको पता होना चाहिए कि हम लोग तो जात पात धर्म को खत्म करने वाले व्यक्ति हैं, रोटी बेटी का रिश्ता बनाने वाले व्यक्ति हैं। ये वहां पर बात करता है जात पात और धर्म और मजहब की आपस में लड़ाने की बात करता है। आपको नहीं लगता है जो रामचंद्र जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने देवी देवताओं का अपमान, आप ये बताइए कि उन्होंने ये कहा कि आप ही बताइए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर छोड़ के गुरुद्वारे में जाए, मंदिर छोड़ के गुरुद्वारे में जाए, वैसे सारे स्थान बराबर हैं, समान है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ये कहेगा बेटा अपना तो मंदिर था, तुझे मंदिर में जाना चाहिए था। अगर कोई मस्जिद के अंदर जाता है कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का, तो बुजुर्ग कहेगा बेटा तूने मंदिर में जाना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था। सभी की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति को समझाने के नाते उन्होंने बोला है कि भाई आप लोग ये चीज ना करके, इस आडंबर से दूर रह के आप शिक्षा के प्रति आगे बढ़े, आप इस चीज की, आपकी गरीबी है ना शिक्षा से ही दूर हो सकती है। उन्होंने एक कठोर सत्य कहा है, वो सत्य ये है कि गरीब आदमी के पास जमीन जायदाद दौलत पैसा कुछ नहीं होता। अगर वो शिक्षित बन जाता है उसका बच्चा, तो पढ़ लिख के वो नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, तो उसके पास पैसा होगा, उसके बाद वो जाए। रामचंद्र जागरा जी ने खुद ये कहा है कि मेरे घर पे तो हर रोज हवन होता है, वो साधन संपन्न होने के बाद आदमी कुछ भी करे। वो कहते हैं कि मैं तो हरिद्वार भी जाता हूं, वो कहते हैं कि भी मैं कट्टर हिंदू हूं। तो उन्होंने जो सच्चाई बात थी वो उन्होंने कही है, लेकिन सबसे पहले वो सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट के लिए ही नहीं, वो उन्होंने सर्व समाज के लिए बात कही है कि आप इन चीजों को छोड़ के आप लोग सबसे पहले शिक्षित बनाए अपने बच्चों को, उन्होंने ये बात कही। तो आप मानते हैं उनकी ये बयान है किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची? नहीं नहीं, इस बयान से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है। और अगर आपको भी लगता है कि उनकी भावनाओं से ठेस पहुंची है, तो नवीन जैन ने एक शिकायत दी है, वो जाके उस पर कार्रवाई करवाए, कानून में भी माफी भी मांगी गई है। देखिए, अगर उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी इस बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। आजकल क्या है कि देश के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक व्यक्ति वो है जो समानता की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कि आज भी वो छोटा और बड़े की बात करते हैं। तो उन्होंने उनको भी नाराज नहीं किया, क्योंकि वो राजनीतिक सामाजिक के साथ साथ वो राजनीतिक व्यक्ति, उन्होंने इस वजह से कहा है, नहीं तो उनकी बात सही है। लेकिन आप इस बयान को कहां तक सही समझते हैं? ये बयान बिल्कुल आज के जमाने के अंदर सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, समानता के लिए बिल्कुल जायज है। ये बयान बिल्कुल उनका सही है। कैसे, क्यों जी? ये इसलिए कि उन्होंने एक समानता की बात की है देश के अंदर। आज हमें है ना, यहाँ देश के अंदर साइंटिस्ट की जरूरत है, IPS की जरूरत है हमें, आज देश के अंदर डॉक्टरों की जरूरत है। हमें भी कोरोना आया था, आपके कोरोना जब आया तो कोरोना के अंदर क्या हुआ, सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद हो चुके थे, तब तो नहीं गए तुम यार कहीं भी, तब तो तुम घर में बैठे रहे। उस वक्त आप पे कौन काम आया? शिक्षित व्यक्ति जो डॉक्टर था, शिक्षित व्यक्ति वो जो पुलिस कर्मचारी था, शिक्षित व्यक्ति वो जो सफाई कर्मचारी लगाया हुआ था। तो आपका सबसे पहले आज के समय में अगर कोई चीज काम आ सकती है वो शिक्षित है, और शिक्षित के साथ साथ बनने के बाद वो शिक्षित व्यक्ति एक अफसर बने और समाज हित के अंदर कार्य करे। तो इसलिए उनका जो बयान है बिल्कुल सही है। लेकिन आपने शिक्षा की बात की, अयोध्या मंदिर बनाया गया, उसकी जगह स्कूल भी खोल जा सकते थे, तो फिर मंदिर क्यों? ऐसा है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आज वहां पे एक मंदिर बनाया गया, पहले एक विवाद रहा वहां पे मंदिर का और मस्जिद का, वो एक राजनीतिक मामला बना दिया उन लोगों ने। नहीं तो क्या चाहिए था, ठीक है भाई एक तरफ आप लोग बना लो, अगर वहां 20 एकड़ जमीन थी तो 20 एकड़ एक जगह देते, 20 एकड़ एक जगह निपट जाता। आज अगर वो मंदिर बना रहे हैं, बनाए, वो भी मैं आपको बता दूं, जो मंदिर वहां पे बनाया गया है, उस मंदिर से, मंदिर के अंदर अगर एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर वहां पे जाके एक सोने की ईंट भी देता है ना,
भूपेश बघेल जी हैं, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके खुद पिताजी ने एक स्टेटमेंट दी, मैंने मेरे बेटे ने सोने की ईंट दी, फिर भी वहां पे लिखा आया कि दलित के बेटे ने एक सोने की ईंट दी एक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। यहाँ पे कोविड पिछले हमारे जो राष्ट्रपति थे वो एक मंदिर के अंदर गए, उनको घुसने भी नहीं दिया गया वहां पर। तो मंदिर जो बनाए गए हैं ये सभी उस चीज का है, इसीलिए उनको दर्द हुआ, नवीन जैन को भी इसलिए दर्द हुआ, वो वहां पे जाते हुए स्टेटमेंट देते हुए कह रहा है इसकी जय उसकी जय करता हुआ गया, वहां पे स्टेटमेंट देता जा रहा है। उनको भी ये लगता है कि अगर ये लोग शिक्षित बन जाते हैं तो इनकी जो ये पाखंड की किताबें हैं, इनकी ये दुकानें हैं, इनका जो बिजनेस है ये बिल्कुल चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये दुकान है, ये दुकान उनकी बंद हो जाएगी अगर ये हमारे खुद, तो जब इनको कोई दुख तकलीफ होती है तो ये तो मंदिरों के अंदर बैठे हैं, मंदिरों के अंदर बैठ के सबसे ज्यादा भजन कीर्तन ये लोग करते हैं, तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। लेकिन इनको बैठे बैठे उससे क्या आईएएस आईपीएस बन सकते हैं? लेकिन नहीं, उसके लिए उनको स्कूल जाना पड़ता है, वहां से उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, तभी तो जाके बनते हैं। क्या मंदिर में बैठने से सारी चीजों का हल हो सकता है? तो इसीलिए सभी को समझना चाहिए कि भाई आप लोगों को सबसे पहले शिक्षित बनना चाहिए। ये सारी दुकानें खोल रखी हैं और इन दुकानों के अंदर ये लोग अपना काम चला रहे हैं। अगर ऐसे हैं तो आज एक आरएसएस का इतना बड़ा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन बनाया है आज तक? एक शेड्यूल कास्ट को बनाए, वहां पे बिठाए, किसी को पता लगे? उन मंदिरों के अंदर पुजारी भी अगर किसी को बनाना है तो वहां पर एक शेड्यूल कास्ट के ओबीसी व्यक्ति को बनाए, तब जो जाके हम माने। आज एक मंदिर भी बना दिया गया तो वहां भी मैं तो कहता हूं अयोध्या के अंदर जो बनाया गया है उसका सबसे बड़ा जो पुजारी है अगर उसको एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को बनाए तो मैं आपके सामने, आप बनाए उसको, क्यों नहीं बनाते? वहां पर इन्होंने सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट के कास्ट आती है वाल्मीकि, उनके लिए भी एक काम होता था सफाई का, उनके लिए आरक्षित होता था, उसको भी छीनने लगे हैं। अब ऐसे अगर उसको छीनने लगे हैं उसके अंदर भी कोई लगने लग गया है, पहले उनके लिए आरक्षित था ये काम, इसके अंदर भी और लोग आने लगे, उनके लिए आरक्षित नहीं रहा। अब इनके लिए काम आरक्षित है कि ये मंदिरों के अंदर जो बैठे हुए हैं अपनी दुकानें इन्होंने खोल रखी है।